Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic intercropping. Students, intercropping का means होता है जब two या more crops को एक साथ किसी field में different rows में grow किया जाता है तो इस type की cropping को intercropping कहा जाता है. Students, it means that when two or more crops are grown simultaneously in the same field in different या alternate rows is known as intercropping. जब दो या दो से अधिक crops को किसी एक ही field में different alternate rows में उन्हें एक साथ grow किया जाता है This method is called the intercropping. Student, it is the improved version of mixed cropping. ये mixed cropping का एक improved version है. The crop combination used in mixed cropping are practiced in intercropping too. और जो crop का combination है student, जो mixed cropping में use किया जाता था वही इंटरक्रॉपिंग में भी यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, जैसे वीट के साथ में मस्टर्ड की क्रॉप, वीट के साथ में की क्रॉप भी ग्रो की जा सकती है. तो कहने का मींस है अगर हम रबी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसके साथ में रबी क्रॉप की ही दूसरी क्रॉप ग्रो की जानी चाहिए, ये नहीं कि रबी के साथ खरीफ क्रॉप ग्रो की जाए. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इंटरक्रॉपिंग. नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग. स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री बेसिक पैटर्न ऑफ इंटरक्रॉपिंग आर प्रैक्टिसाइज. हमारे सराउंडिंग में जो फार्मर्स हैं वो तीन बेसिक पैटर्न पर इंटरक्रॉपिंग करते हैं. नंबर वन है रो क्रॉपिंग. रो क्रॉपिंग में क्या होगा कि डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में ग्रो किया जाएगा. जैसे एक रो उन्होंने वीट की ग्रो कर ली तो दूसरी उन्होंने शिवाली की, इस टाइप से उन्होंने एक रो के बाद दूसरी रो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को ग्रो किया जाएगा. एले क्रॉपिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन द रो ऑफ ट्रीज. मतलब ट्री की रोज हैं उनके बीच में जो खाली जगह है उन खाली रोज में किसी क्रॉप को ग्रो किया जाएगा. तो एक ट्री की रो है, दूसरी क्रॉप की रो है, फिर इस तरीके से जो रो में डिफरेंट रोज जो क्रॉप्स की ग्रो होंगी डिफरेंट रोज ट्री की होंगी. तो इस टाइप की जो है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मान लें कि ये रो ट्री की है और ये रो आपके किसी क्रॉप की है. तो इस तरीके की जो पैटर्न है इसे एले क्रॉपिंग कहा जाता है. नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले मल्टीपल रोज एक क्रॉप की ग्रो कर ली, फिर इसके बाद मल्टीपल रोज अनदर क्रॉप की ग्रो की, तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाएगा. तो पहले स्टूडेंट्स क्या किया स्ट्रिप क्रॉपिंग में, पहले हमने मान लीजिए वीट क्रॉप की कई रोज बना ली और फिर मस्टर्ड क्रॉप की मैनी रोज में ग्रो किया एक ही फील्ड में, तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाएगा. Now students, we discuss here advantage of intercropping. Intercropping का advantage क्या है, ये mixed cropping से better रहता है. इसमें students क्या क्या फ़ायदे हैं, पहला है productivity. Intercropping ensure greater crop yield. Students, intercropping से ज़्यादा फसल की पैदावार निश्चित होती है. स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक ही फील्ड से मोर देन वन क्रॉप ग्रो हो जाती हैं और ज़्यादा यील्ड भी मिलती है. नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन.
इसमें जो हम रिसोर्सेस का बात करें, प्लांट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का यूटिलाइज कर लेते हैं। इट हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इससे हम नेचुरल रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, और जैसे लैंड है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सनलाइट है, इनका बेटर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इरोजन। स्टूडेंट्स, जो इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, सॉइल इरोजन भी रुकता है, सॉइल का कटना भी रुक जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। ईच क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड, थ्रेस्ड एंड मार्क सेपरेटली एट डिफरेंट टाइम्स। इंटरक्रॉपिंग से क्या है स्टूडेंट्स, क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है, मार्केटिंग है, ये डिफरेंट टाइम पर की जा सकती है। नो मिक्सिंग, इससे क्या होता है, जब रोज़ में डिफरेंट क्रॉप ग्रो होंगी तो एक क्रॉप दूसरी क्रॉप में मिक्सिंग नहीं होगी, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट होंगे क्रॉप के वो भी मिक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। इंटरक्रॉपिंग सेव टाइम एंड लेबर ऑफ द फार्मर। इंटरक्रॉपिंग से स्टूडेंट्स फार्मर की जो मेहनत है और समय है, दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक बेनिफिट। इससे क्या एग्रोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, जैसे लाइट सेंसिटिव प्लांट कैन ग्रो अंडर द शेड ऑफ टाल ट्रीज। जो लाइट के संवेदनशील प्लांट होते हैं, जिन्हें कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो टाल ट्रीज की छाया में भी ग्रो कर सकते हैं, और गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, उन्हें सनलाइट से प्रोटेक्शन मिल सकती है। दूसरा है क्रीपर गेट सपोर्ट फ्रॉम कंपेनियन क्रॉप। और क्रीपर अगर हैं तो स्टूडेंट्स वो कंपेनियन क्रॉप की हेल्प से उन्हें सपोर्ट मिलती रहती है और वो क्रीप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रून टू फॉल इन विंड हैवी रेन गेट सपोर्ट फ्रॉम कंपेनियन क्रॉप। और कुछ क्रॉप जो विंड से या हैवी रेन से गिर जाती हैं तो उन्हें कंपेनियन क्रॉप से सपोर्ट मिल जाती है और गिरने से बच जाती है। तो ये इनके एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स। तो क्या क्या बेनिफिट रहे, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इरोजन से बचाव, हार्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना होना, मिक्सिंग नहीं होना, और इफिशियंसी, इंटरक्रॉपिंग रहती है, और एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग स्टूडेंट्स। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग।